वेलकम बैक गाइस, मैं हूं राणा प्रिंस और मेरे साथ आप देख रहे हैं पाक्सियोसी लवर। आज मैं आपके साथ TH12 की अटैक स्ट्रेटजी करूंगा, जो कि एयर अटैक स्ट्रेटजी होगी, जिसमें हमने इस्तेमाल किए हैं कुछ बलून्स और कुछ हमारा होगा जी क्वीन चार्ज और उसके साथ मिनियन और जो SCG वगैरह होगा वो तो सारा का सारा साथ साथ ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी होगी बहुत ज़्यादा फंटेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और ये 200 IQ लेवल अटैक स्ट्रेटजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पोर्शन है हमारे, ठीक है, वो मैं आपके साथ आज सारा शेयर करूंगा, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी TH12 को जो है बीट कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए आने वालों दोस्तों से और जो पहले से मेरे साथ हैं उनसे यार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, इससे जो भी हम न्यू अपडेट लगाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, वो तो वीडियो जो है बगैर किसी तखीर के स्टार्ट करते हैं। पार की तरह इस दफा भी हम सबसे पहले अपना आर्मी कम्बिनेशन देखेंगे। हमने इस्तेमाल किए हैं 20 बलून्स एंड 14 हमने इस्तेमाल किए हैं मिनियन, जो कि बहुत ज़्यादा है किंग एंड क्वीन मैक्स लेवल है TH12 के लिए। और उसके साथ हमने इस्तेमाल किए हैं 2 आर्चर, 5 हमने इस्तेमाल किए हैं जी हीलर्स एंड 5 हमने इस्तेमाल किए हैं वाल ब्रेकर। अगर आप सुपर वाल ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके साथ हमने इस्तेमाल किए हैं जी 2 लावा हुंड जो है वही सादे वाले हैं। ठीक है, एक बेबी ड्रैगन इस्तेमाल किया और CC में आपने लेनी है जी सीड स्टोन स्लम्बर। ठीक है, उसके साथ स्पेल्स अगर हम देख ले तो आपने बनाने हैं जी 3 रेज स्पेल, 1 पॉइजन एंड 2 फ्रीज एंड 3 आपने जो 2 आपने बनाने हैं हेस्ट स्पेल। CC जो ट्रूप्स एंड जो है आपके वो ये हैं कि आपने 4 बलून ले लेने, एक आपने ले लेना है ड्रैगन और एक उसके साथ ले लेना है रेज। अगर आप कोई और चीज़ सजेस्ट करते हो जो कि स्टोन स्लमर में अच्छी लगे आपको तो वो भी आप इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, तो ट्रिक्स एंड टिप्स आप इसकी जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है बल्कि यार बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें जो ये है कि आपने जो है अपने किंग एंड क्वीन चार्ज, क्वीन चार्ज जो है आपका ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। इसका ये है कि जितना बेस्ट आपका क्वीन चार्ज होगा उतना ही जल्दी आप किसी भी TH को ले लोगे, वो TH9 है या TH12 है या TH10 और TH14। ठीक है, कोई भी TH है उसका ये है कि अगर आप क्वीन चार्ज अच्छा कर लेते हो तो आपका यार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो लावा हुंड 2 हमने इस्तेमाल किए, अगर आप एक इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी आप इस्तेमाल करना कर लो। ठीक है, ये डिपेंड करता है अपोनेंट की बेस के वो कैसे डिज़ाइन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोर्शन है। ठीक है, एक किंग एंड क्वीन, क्वीन चार्ज से आपने जो है अपोनेंट का CC लाजमी ले लेना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मिल जाए ईगल या फिर TH मिल जाए तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लक है। तो फर्स्ट पोर्शन आपका जो है ये किंग एंड क्वीन चार्ज का है। ठीक है, सेकंड पोर्शन जो है आपका सारी की सारी आर्मी का। ठीक है, तो अटैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने अटैक स्टार्ट किया, एक पीछे से बलून छोड़ दिया गया और पीछे मिनियन, एंड ये इसलिए छोड़ा गया कि ताकि आपका किंग जो है वो इस साइड को ना आए बल्कि उस साइड को जाए। उसका ये है कि आपने क्वीन को जो है अंदर लेके आना था। ठीक है, अगर किंग जो है उस साइड पर जाएगा और आपकी क्वीन जो है ईजीली अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किंग छोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करके क्वीन छोड़ देनी। उसका ये होगा कि क्वीन जो है अपोनेंट साइड से जो है फनल करना स्टार्ट कर देगी, उसके पीछे आपने हीलर छोड़ देनी। अगर आप मेरी माने तो आप पहले एक बलून छोड़ें, उसके बाद जो है आप हीलर्स को छोड़ें। इसका यह है कि अगर कोई ट्रैप्स वगैरह हो गए तो वो आपके बलून्स को ले लेंगे, ना कि आपकी जो है हीलर को, क्योंकि एक हीलर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आपने उसको भी बीट करवा लिया तो यार ये आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ने जो है अच्छी कारकर्दगी अदा की, उसने ये है कि क्वीन को जो है आर्मी अपोनेंट को जो CC था वो निकाल के दे दिया। ठीक है, तो हमारी जो है क्वीन उसने जो है CC को भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि TH को जो है वो हमारी क्वीन नहीं ले पाई, तो इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, ये टेंशन नहीं लेने की यार TH नहीं ले पाई। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप TH या फिर जो है CC एंड जो है ईगल को ले लो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लग है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो इसने जो है 2X बो को भी ले लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्वीन जो है क्वीन अपोनेंट की क्वीन जो है बहुत ही बुरा काम करती है,
डिफेंड बहुत अच्छा करती है, ठीक है। तो इसका ये है कि आपने उसको भी ले लेना है अपनी क्वीन के साथ, अगर आप ले सको तो, ठीक है। तो ये मैं आपको फोर्सफुली नहीं कहता कि आपने लाजमी लेना, नहीं तो आपका अटैक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है कि आपके पास ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी होती है, उसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आप जब आप अटैक करते हैं, क्योंकि ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कभी कभी ग्रैंड वार्डन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, जिससे वो जो है ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो है अपोनेंट का टाउन हॉल जो था, वेपनाइज होता है चूंकि, तो वो ओपन हो गया था, तो ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी इसलिए पॉप आउट कर दी गई ताकि जो है वो आपके बलून्स को ना मार पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सीसी भी आ गई, वो भी पॉप आउट हो गई, तो यहाँ पे आपको एक ड्रैगन मिल गया था, ठीक है। तो जैसा कि आप देख लो यार, ये बहुत ईजी स्ट्रैटी है, ठीक है, ओपी अटैक स्ट्रैटी है, किसी भी टीएच 412 को जो है बीट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको यार 100% रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। लेकिन यार इसका ये है कि मैं आपको इस आर्मी का लिंक नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, वो वजह है एक, तो मैं वो आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपको पसंद आती है काइंडली एक लाइक तो बनता है, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ये आपकी मेरे लिए सपोर्ट होगी। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अभी मैं आपको जो है अटैक दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ साउंड के साथ। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्टेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।